तो गजर फाइनली हमारे इंडिया सर्वे भी आप सब लोग को पिंक डायमंड स्टोर फिर से रिटर्न में नजर आने वाला है। एंड गजर बहुत ही ओपी ओपी से रिवार्ड्स यहाँ पे निकल कर आ चुके हैं, जिसके बारे में गजर आज की वीडियो आप लोग को बताने वाला हूँ कि कौन कौन से रिवार्ड्स आप लोग हमारे इंडिया सर्वे पिंक डायमंड स्टोर से एक्सचेंज करने को मिलेंगे एंड क्या कन्फर्म डेट होने वाली आप लोग की पिंक डायमंड स्टोर रिटर्न को लेकर आज की वीडियो में गजर आप लोग को फुल डिटेल्स के साथ बताने वाला हूँ। क्योंकि आप लोगों के काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे मनु भाई पिंक डायमंड स्टोर रिटर्न में कब तक देखने को मिलने वाला है। साथ ही गजर हम लोग बात करेंगे टू नाइट अपडेट के बारे में, यानी गजर आज रात 12 बजे आप लोग हमारे गेम में क्या कुछ नए देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा अगर आप लोग की इवोल्यूशन M10 42.0 की कंफर्म डेट भी यहाँ पे निकल कर आ चुके हैं, मैं आप लोग को बताऊंगा कितने डायमंड आप लोग को इस गन को निकालने में लग जाएंगे एंड गजर किस तरह की आप लोग की गन स्किन देखने को मिलेगी फुल रिव्यू करके बताने वाला हूँ। इस तरह गजर और भी काफी सारे नए अपकमिंग इवेंट्स एंड अपडेट के बारे में आज की वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ, जो की हमारे इंडिया सर्वर आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो आज की वीडियो आप लोग लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट होने वाली है, इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर से देखते रहना। पर गजर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा तरह वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को पे सेट कर लो, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए हमेशा इसी तरह करना फिर पाया कि हर एक छोटी से छोटी अपडेट वीडियोस लेकर आता रहता हूं। सो गाइस अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो बिना किसी तरीके बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गजर बात करें सबसे पहले अपडेट के बारे में, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हैं हमारे इंडिया सर्वर आ चुका है आप लोग के आर्टिक बंडल्स का न्यू टोकन व्हील इवेंट, जिसमें गजर आप लोग हमारे सारे के सारे आर्टिक बंडल्स रिटर्न में देखने को मिल जाते हैं। सो देखो गजर अगर आप लोग भी इस इवेंट के अंदर स्पिन करने के बारे में सोच रहे तो मैं आप लोग को बता दूंगा यहाँ पे काफी सारे बंदों के बहुत सारे डायमंड कट रहे हैं और गजर जल्दी से टोकन भी नहीं मिल रहे हैं। और जहां तक मुझे पता है गज आज तक इस टोकन व्हील इवेंट से किसी को भी बंडल तो डायरेक्टली नहीं निकला है, तो शायद आप लोग को यहाँ से बंडल तो स्पिन करने पर नहीं मिलेगा, टोकन से आप लोग को कलेक्ट करने पड़ेंगे। तो अगर आप लोग इनमें से कोई भी आर्टिक बंडल्स को निकालना चाहते हैं तो मैं आप लोग को बता दूं एक बंडल को निकालने के लिए गज लगभग आप लोग के 1500 से 2000 डायमंड लग सकते हैं। बाकी तो गजर आप लोग के लक के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप लोग का लक अच्छा हुआ तो क्या पता आप लोग कम डायमंड में भी यहाँ से आर्टिक बंडल निकल जाए। तो गजर अब वीडियो आगे बढ़ते बात करें आप लोग की नेक्स्ट अपडेट के बारे में, यानी गजर आप लोग के एक और न्यू टोकन व्हील इवेंट के बारे में। तो गजर जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो आप लोग के लिए कुछ इस तरीके के क्लोन इंक्यूबेटर के बंडल्स निकल कर आ रहे हैं, जो की भाई आप लोग एक टोकन रीडिंग इवेंट में देखने को मिल जाते हैं या गजर टोकन व्हील इवेंट देखने को मिल जाते हैं। और गजर यहाँ पे आप लोग हमारे क्लोन इंक्यूबेटर के सारे बंडल्स एक ही टोकन व्हील इवेंट में डाल दिए गए। तो मैंने आप लोग को पहले भी बताया था काफी सारे टोकन व्हील इवेंट के बारे में, हमारे अलग अलग सर्वर पर जितने भी ओल्ड इंक्यूबेटर के बंडल या गन स्किन है सभी के सभी गजर आप लोग को टोकन व्हील इवेंट में रिटर्न में देखने को मिलेंगे। फिलहाल गजर आप लोग को पता है इंडिया सर्वर तो सिर्फ आर्टिक रिंग इवेंट आने वाला है, पर गजर हमारे जितने भी ओल्ड इंक्यूबेटर के बंडल या गन स्किन है बाहर के काफी सारे सर्वर पर रिटर्न देखने को मिला, जैसे कि पोकर MP40 हो गया, गजर आप लोग की M87 की गन स्किन हो गई और आप लोग के पेपर कट वाले इंक्यूबेटर के बंडल हो गए या गजर और भी काफी सारे गन स्किन या बंडल्स हैं जो कि गजर आप लोग को पहले इंक्यूबेटर में देखने को मिलते थे, लेकिन गजर हमारे इंडिया सर्वर से इंक्यूबेटर को 1 जून 2023 से हटा दिया जाएगा। तो इसलिए चांसेस है गज आप लोग को भी हमारे इंडिया सर्वर बहुत ही जल्दी कुछ इस तरीके के क्लोन इंक्यूबेटर का टोकन रीडिंग इवेंट देखने को मिलेगा या टोकन व्हील इवेंट देखने को मिलेगा। सो अगर आप लोग चाहो तो क्लोन इंक्यूबेटर के भी रिटर्न में आने का वेट कर सकते हो, वरना गजर आप लोग आर्टिक बंडल को भी निकाल सकते हो क्योंकि भाई आर्टिक बंडल भी काफी ज्यादा ओपी है। चलो गजर वीडियो आगे बढ़ते हैं, बात करें आप लोग की नेक्स्ट अपडेट के बारे में, यानी गजर आप लोग की टू नाइट अपडेट के बारे में। तो गजर जैसे कि मैंने आप लोग कल की वीडियो में प्रॉमिस किया था कि आज मैं आप लोग को हमारे इंडिया सर्वर आने वाला टॉप 100% कंफर्म कर दूंगा, इसलिए गजर सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे हमारे टॉप ऑफ इवेंट का ऑफिशियल बैनर ही देख सकते हो। कल से यानी कि 3 तारीख से आप लोग हमारे इंडिया सर्वर टॉप ऑफ इवेंट देखने को मिलने वाला है, जिसमें गजर 100 डायमंड का अगर आप लोग टॉप अप करते हो गज आप लोग हमारी एक M60 की थीम गन स्किन दी जाएगी, जिसमें गजर आप लोग को रिलोड स्पीड और रेंज सिंगल प्लस में देखने को मिल जाती है। इसके अलावा गजर आप लोग को इसमें मैगजीन सिंगल माइनस में देखने को मिलने वाली है, तो ये गन स्किन आप लोग को 100 डायमंड के टॉप अप देखने को मिल जाएगी। बाकी साथ ही गजर अगर आप लोग 300 डायमंड का टॉप अप करते हो तो यहाँ पे आप लोग को एक हमारी नाइफ की स्किन देखने को मिल जाती है, तो ये भी गजर आप लोग को ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। क्रिमसन स्पेशल प्रोजेक्ट टॉप अप इवेंट होने वाला है, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया तो नहीं है लेकिन ठीक ठाक है, मेरे को इतना ज्यादा पसंद भी नहीं है। अगर आप लोग को पसंद है तो भाई आप लोग वेट कर लीजिए, कल आप लोग को हमारे इंडिया सर्वर देखने को मिल ही जाएगा। खैर चलो गजर इसके बाद हम लोग बात करेंगे आप लोग के प्रोजेक्ट क्रिमसन इवेंट से रिलेटेड और कुछ नए अपडेट्स के बारे में, जैसे कि आप लोग को इवो गन की कंफर्म डेट के बारे में एंड आप लोग के पिंक डायमंड स्टोर रिटर्न के बारे में। लेकिन गजर उससे पहले अगर आप लोग अभी तक मेरे वीडियो में बने आपको वीडियो पसंद आ रही प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया भाई चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो, ताकि आप लोग को हमेशा इसी तरह गर्म पाए हर एक छोटी छोटी अपडेट की वीडियोस मिलते रहेंगे, आप लोग आने वाली कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाओगे। सो गजर अब वीडियो आगे बढ़ते बात करें आप लोग की नेक्स्ट अपडेट के बारे में, यानी गजर आप लोग की इवो M10 42.0 की कंफर्म डेट एंड कंफर्म इवेंट के बारे में। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो गाइस उस इस तरीके का आप लोग को हमारे इंडिया सफर इवो M10 2.0 के लिए फेडल व्हील इवेंट देखने को मिलने वाला है, जो की गजर यहाँ पे आप लोग को काफी ज्यादा ओपी गन स्किन देखने को मिलेगी। मतलब गजर आप लोग को ये वाली पहली इवो गन स्किन होगी, यानी गजर सुपर इवो गन होने वाली, जो की गजर आप लोग लेवल 8 तक अपग्रेड कर सकते हो। बाकी साथ ही गजर आप लोग यहाँ पे इवो टोकन के क्रेड देखने को मिल जाएगी, एक ग्रेनेड की स्किन देखने को मिल जाती है, यहाँ पे आप लोग को बाइक की स्किन भी दी गई है। तो ये तो गजर आप लोग को इसी ओगन के साथ नजर आने वाले हैं, पर गजर सवाल ये है कि भाई इसी ओगन को निकालने में हमारे कितने सारे डायमंड लग जाएंगे। तो गजर देखो सुपर ओगन है तो ओगन से ज्यादा ही डायमंड लगने वाले हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो फर्स्ट स्पिन 9 का
होगा, फिर 29 का, 69 का, 99 का, फिर 199 का, फिर वापस 199 का, 299 का, लास्ट में आप लोग को 399 का स्पिन देखने को मिलेगा। और गजर इन सभी स्पिन का टोटल करने पर आप लोग के 1302 डायमंड बन जाते हैं, यानी गजर मैक्सिमम आप लोग को यहाँ पे योगर निकालने में 1302 डायमंड लगेंगे एंड शायद मैक्सिमम बंदों के 1302 पूरे डायमंड लग जाएंगे, क्योंकि भाई लास्ट में आप लोग को योगन यहाँ से निकलने वाली है। बाकी डेट की बात की जाए तो गजर ये वाली योगन आप लोग हमारे इंडिया सर्वर 5 मई को फेडरल एंड में नजर आने वाली है। तो मुझे पता है आप लोगों ने पहले से डायमंड्स वगैरह तो इकट्ठे करके रखे होंगे। ओके सो गजर अब वीडियो आगे बढ़ते हैं, बात करें आप लोग की नेक्स्ट अपडेट के बारे में, यानी गजर आप लोग के डायमंड रॉयल के बारे में। तो गजर जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि 1 जून 2023 से आप लोग के डायमंड रॉयल एंड इंक्यूबेटर को हटा दिया जाएगा एंड आप लोग का ओबी अपडेट भी शायद 1 जून को आप लोग को देखने को मिलेगा। पर गजर आप लोग यहाँ पे एक डायमंड रॉयल देख सकते हो, कहने को तो गजर इसका नाम डायमंड रॉयल है, लेकिन गजर आप लोग को इस रॉयल में गोल्ड से स्पिन करने को मिल रहा है, आप लोग देख ही सकते हो। एंड मैं आप लोग को बता दूंगा ये मेना सरोवर है एंड मेना सरोवर पर कभी डायमंड रॉयल को हटाया जा रहा है, कभी वेपन रॉयल को हटाया जा रहा है। अब जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख ही पा रहे हो डायमंड रॉयल में तो भाई आप लोग को गोल्ड से स्पिन करने को मिल जाता है, फिर डायमंड रॉयल इसका नाम क्यों रखा है मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। दूसरी बात गजर यहाँ पे आप लोग को वेपन रॉयल देखने को नहीं मिल रही है, तो गजर पता है कि अगर वाले इस सरोवर पे क्या कर रहे हैं, जब भी डायमंड रॉयल को यहाँ पे डालते हैं तो वेपन रॉयल को हटा देते हैं, वेपन रॉयल को डालते हैं तो डायमंड रॉयल को यहाँ से हटा देते हैं। और जैसे यहाँ से डायमंड रॉयल को हटाया जाता है तो यहाँ पे डायमंड रॉयल वाउचर का एक्सचेंज इवेंट देखने को मिल जाता है, जहाँ से आप लोग वाउचर का यूज करके काफी सारे बंडल्स या काफी सारे रिवार्ड्स को एक्सचेंज कर सकते हो। जब वेपन रॉयल को यहाँ से हटाया जाता है तो गाइस वेपन रॉयल के वाउचर को यूज करने के लिए वेपन रॉयल का एक्सचेंज इवेंट देखने को मिल जाता है। तो गजर ये सब देखकर मेरे को तो समझ में नहीं आता कि भाई गन्ने वाले क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, पर गजर अब से पहले भाई जो चल रहा था वैसे चल रहा था, मतलब कि आप लोग के डायमंड रॉयल, वेपन रॉयल या इनक्यूबेटर वगैरह सब कुछ बहुत पहले से चल रहे थे जब से गेम हमारा आया हुआ था। पर अभी फिलहाल में गन्ने वाले इंडियन सर्वर नहीं, बाहर के काफी सारे सर्वर भी डायमंड रॉयल, इनक्यूबेटर, वेपन रॉयल में चेंजेस लेके आ रहे हैं। कहीं पर गोल्ड से स्पिन करने को मिल रहा है तो कहीं पर गजर डायमंड से स्पिन करने को मिल रहा है, कहीं पर गजर डायमंड्स की वैल्यू ज्यादा बढ़ा दी गई है। तो देखो गजर हो सकता है ओबी अपडेट के बाद, यानी कि 1 जून 2023 के बाद आप लोग के डायमंड रॉयल एंड इनक्यूबेटर को हटाया जाए, तो क्या पता गाइस आप लोग डायमंड रॉयल एंड इनक्यूबेटर के अंदर गोल्ड से स्पिन कर पाओ एंड गजर गोल्ड से स्पिन कर पाओगे तो उनका नाम डायमंड रॉयल इनक्यूबेटर ना रहकर आप लोग को कुछ और देखने को मिल सकता है। और देखो गजर अगर ऐसा होता तो भाई स्पिन की वैल्यू काफी ज्यादा गोल्ड कॉइन की रखी जाएगी। दूसरी बात गजर गन्ने वालों ने एक ट्रिक का यहाँ पे यूज किया कि भाई आप लोग काफी सारे गोल्ड के इवेंट देकर सारे गोल्ड आप लोगों की आईडी से खत्म करवा दिए, लेकिन फिर भी गजर अभी आप लोग पास टाइम है, आप लोग गोल्ड कॉइन काफी सारे इकट्ठे करके रखो, क्योंकि गजर बहुत कुछ आप लोग को गोल्ड से परचेज करने को मिल सकता है। और एग्जाम्पल तो मैंने आप लोग को दिखाई दिया, अगर आप लोग डायमंड रॉयल के बनने के लिए गोल्ड से स्पिन कर सकते हो तो भाई डायमंड रॉयल पता नहीं किस चीज के लिए नाम रखा गया है। खैर चलो गजर फाइनली अब हम लोग बात कर लेते हैं आप लोग के पिंक डायमंड स्टोर रिटर्न के बारे में। तो गजर जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके का आप लोग के लिए पिंक डायमंड स्टोर रिटर्न निकल कर आ रहा है, जिसमें गजर आप लोग को काफी सारे हमारे 5th एनिवर्सरी इवेंट के रिवार्ड्स देखने को मिलेंगे। जैसे गजर आप लोग को 5th एनिवर्सरी इवेंट का प्रोफाइल एनिमेशन देखने को मिल जाता है, 5th एनिवर्सरी इवेंट के मेल एंड फीमेल के बंडल देखने को मिल जाते हैं एंड और भी कुछ एक्स्ट्रा रिवार्ड्स यहाँ पे डाले गए जो कि काफी ज्यादा ओपी दिए गए, फेस्ट स्क्रीन भी देखने को मिल जाती है। तो देखो गजर बाकी के रिवार्ड्स के लिए तो आप लोग कंफर्म नहीं करूंगा क्योंकि काफी ज्यादा रेयर रिवार्ड्स यहाँ पे डाले गए, लेकिन गजर जो आप लोग यहाँ पे 5th एनिवर्सरी के रिवार्ड देख पा रहे जैसे कि मेल एंड फीमेल का बंडल एंड और आप लोग को प्रोफाइल एनिमेशन देखने को मिल जाता है, तो ये सारे रिवार्ड्स गाइस आप लोग को पिंक डायमंड में रिटर्न में देखने को मिलेंगे। बात करें कब देखने को मिलेगा तो गजर यहाँ पे कुछ इस तरह के लिस्ट निकल कर आ रही कि ओबी अपडेट के बाद आप लोग को 6th एनिवर्सरी का मेगा इवेंट देखने को मिलेगा एंड तभी आप लोग हमारे इंडिया सर्वर पिंक डायमंड स्टोर रिटर्न में दिया जाएगा। बाकी गजर आज के लिए इतना ही, होप करता हूं आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। सो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी कोई न्यू इंटरेस्टिंग न्यूज एंड अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।